जैसे हम इस संस्था में मतलब जुड़े हैं PSI में, मैं 2020 से जुड़ी हूँ इसमें, तो 2020 से संस्था में जब से मैं जुड़ी हूँ तो पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे सभी गोबर उबर का काम कुछ अच्छा नहीं था। फिर मैंने देखा यार, करके ही देखी कि मतलब नहीं ये अच्छा है, काम करना चाहिए मुझे, तो फिर मैं इसमें जुड़ी। सर आए हमारे पास, बोले इसमें संस्था में जुड़ जाओ, जुड़ के काम करो। तो मैं तैयार हो गई, फिर इसमें जुड़ के मैंने मीटिंग में जाती रही, बताती रही कि कैसे बहना है इसका पूरा तरीका। फिर उस तरीके से पहले सबसे पहले मैं अपने खेत में की मतलब मैं पहले मैं लगा के देखूं, फिर बाद में दूसरों को करवाऊंगी। तो मैं मतलब लाइन से गेहूं भी बुवाई की, चना की भी बुवाई की और मक्के की भी बुवाई की। उसके बाद फिर धान का समय आया तो धान भी उसमें बेड बना के रोपाई करके उसका पूरा बीज चयन बीज शोधन करके उसमें रोपाई की, और रोपाई के बाद फिर खेत में रोपण की। फिर उसके बाद जो कीड़े ईड़े लगते थे तो मैंने मठा अस्त्र बनाए, मटका खाद भी डाली। जितनी सारी विधियां हैं मैंने पहले अपने से ही पूरी विधि का उपयोग की। तो हम लोगों ने संगठन बनाया, तो संगठन बना के उसमें FIG बना के फिर उसमें नाम भी रखवाया, और फिर वहाँ जाके महिलाओं के साथ मीटिंग करते हैं, फिर उनको ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, क्योंकि अब मुझे सरल हो गया, इसका पूरा नॉलेज हो गया कि कैसे क्या करना है, इसके करने से क्या फ़ायदा है। तो दीदी लोग भी धीरे धीरे वो भी फिर सारी महिलाएं जुड़ के वो भी करने लगी। और तो जैसे अग्नेयास्त्र है तो अग्नेयास्त्र भी हम बना के डालते हैं, जो तना छेदक कीड़ा होते हैं, कीटनाशक जो इल्ली वगैरह माहू वगैरह जो लगती है, तो इसके लिए हम अग्नेयास्त्र बनाते हैं, तो उसका छिड़काव करते हैं। जैसे 10 लीटर पानी में 1 लीटर अग्नेयास्त्र डाल के उसका भी छिड़काव करते हैं, अग्नेयास्त्र भी बनाते हैं, मटका खाद बनाते हैं, गंजी व अमृत। आप अभी ड्राम पे आप देख रहे हैं उसमें गंजी व अमृत खाद बनी रखी है, मटका खाद भी बना रखा है। तो इस तरीके से हम खेती करते हैं। और जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ गए हैं और फसल सघनीकरण में ही हमने ये पूरी तरह से शुरू में ही ये रखा कि आपको फर्टिलाइज़र एकदम ख़त्म करना है, उसका यूज़ नहीं करना है, केमिकल का यूज़ एकदम बैन करना है, तो वो अपने आप ही प्राकृतिक खेती की तरफ वो प्रोसेस बढ़ जाती है। और जब इस तरह से किया तो वो करने के बाद भी पहले साल में ही बहुत सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अगर सोइंग ठीक से किया है, सीड सिलेक्शन, सीड ट्रीटमेंट ये ठीक से किया है, वीडिंग किया है, पेस्ट कंट्रोल किया है ऑर्गेनिक तरीके से, तो पहले साल में ही 15-20 या 25-30% तक पहले साल में ही उनको ग्रोथ मिलती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर उसको एडॉप्ट करना भी आसान होता है। और छोटे छोटे खेत हैं किसानों के, एवरेज लैंड होल्डिंग वहाँ पे 3.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ इतनी ही होती है किसानों के पास। तो उसमें विविधता के साथ में अगर खेती करते हैं, अलग अलग फसलें लगाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब एक फसल का समय आ रहा है वो लगा लिया, फिर दूसरी फसल का आया तो समय का भी प्रबंधन हो जाता है और ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है उसे चीज़ें करने में, और गोबर की उपलब्धता है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी आसान हुआ। अब तो कम पानी लगता है, पहले छिड़काव वाली में तो अगर थोड़ा सा लेट हो गया पानी देने के लिए तो समझ लो कि वो गेहूँ सूखने लगता है जल्दी से। और अब तो मतलब अगर 8 दिन अगर पीछे भी मिला तो चलता है। अगर नारी से बोते हैं तो वो हमारा पेड़ भी मजबूत होते हैं, मतलब नीचे तक नीचे से उठता है, अंदर जड़ रहे थे, मजबूती रहते हैं तो छींटा में ऊपर रहता है और छींटे वाला ऊपर रहता है। तो अगर उसके लिए जल्दी जल्दी पानी देने पड़ा थे, और अगर पानी जल्दी नहीं देंगे तो फिर फसल नुकसान होते हैं। और इसके लिए तो नारी वाले से जो लगाते हैं तो उसमें तो अगर लेट भी 8 दिन लेट हो गया तो चलता है, नुकसान नहीं हो पाता है। और वैसे में तो बीज भी ज़्यादा लगता है, वो पौधे भी ऊपर डाले रहते हैं, उसमें पानी भी समय समय से देना पड़ता है, वो खासकर उतने अच्छे पौधे भी नहीं होते, उसमें फंगस भी ज़्यादा लगती है। मल्च में बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो मिट्टी है वो एकदम गील मतलब भुरभुरी टाइप की बन जात है, और जो गीली मतलब नमी उसमें जो है उसके नीचे नमी बनी रहती है, तो और नीचे जब देखते हैं तो वहाँ इतनी अच्छी मिट्टी निकलती है कि हम क्या बताएंगे। अगर वहाँ से कचरा हटा के निकाल के अपन देखें
तो बहुत अच्छी नमी बना था उसमें। जब हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट इनपुट है उसी पे बात करनी है, हमें उस तरह की खेती की बात करनी पड़ेगी कि जितने भी खेती से जुड़े हुए चीज़ें हैं उनमें मिनिमम लागत हमारी होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी। तो जब सिंचाई की बात हो रही है, एक तो जब प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो यह कि सिंचाई कम करनी पड़ रही है हमें, जहाँ ज़्यादा पानी लगता था इसमें कम पानी लग रहा है, एक ये चीज़ है। दूसरा, हम बाहर पर डिपेंडेंसी जितनी कम करते चलेंगे हमारी कृषि पद्धति उतनी ही मजबूत होगी। तो जब डीजल पंप से लोग खेती कर रहे हैं, डीजल पंप लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र भी ऐसा है कि कहीं जहाँ जहाँ नाला है वहाँ सिंचाई का पानी उपलब्ध है, वहाँ से काफ़ी दूर तक किसानों को पानी लेके जाना पड़ रहा है और खेत भी दूर दूर है, जंगलों के बीच बीच में खेती है, तो हर जगह बिजली पहुँच पाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाना भी संभव नहीं है। तो काफ़ी सारे किसान हैं जो डीजल पंप लेके इस तरह से खेती कर पा रहे हैं जिसमें बहुत कॉस्ट हो जाती है, और ऐसी ज़मीनें हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन लेना संभव नहीं है या छोटी जोत है। तो एक छोटा किसान एक डीजल पंप से खेती कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो जब इस तरह से कॉस्ट बढ़ती है तो फिर किसान को वही लगता है कि मजदूरी ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे स्थिति में उनको ये भरोसा दिला पाना कि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वही विकल्प होता है कि फिर इसके अलावा वो करें क्या। तो कई जगह ऐसे उदाहरण हुए हैं कि फिर लोगों ने छोटे छोटे रूप में अपने संसाधन डेवलप किए हैं। तो ऐसी जगहों पे बहुत बेहतर विकल्प यही होता है कि जहाँ जहाँ उनकी खेती की ज़मीनें हैं वहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी की व्यवस्था हो। तो वहाँ पे खेती के साथ में जो हमने पानी का काम किया है उसमें वही ध्यान दिया है कि छोटे छोटे खेत तालाब लोगों ने अपनी ज़मीन के साथ में बनाए हैं जिनकी लागत भी बहुत नहीं होती है, और जब छोटे खेत तालाब बनते हैं तो लोग खुद ही मेहनत करके वो बिना मशीन का उपयोग किए बना लेते हैं। तो खेत का ऊपरी हिस्सा जहाँ ऊपर से पानी आ रहा है तो वहाँ इस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया कि पानी इकट्ठा हो गया और वहाँ से वो पानी अपने खेतों में दे पाए। तो ऐसे काफ़ी सारे खेत तालाब बना लिए हैं, 40 गांव में जहाँ काम चल रहा है 300 खेत तालाब छोटे छोटे ऐसे लोगों ने बना लिए हैं कि अपने खेत की सिंचाई कर लेंगे, या कम से कम लाइफ सेविंग इरीगेशन उनको उपलब्ध हो गया कि जब फसल एकदम सूखने लगी है उतना पानी उनको मिल जाएगा कि उनकी उपज हो जाएगी, फिर दूसरी खेती वो कर पाएँ या ना कर पाएँ पर जो खरीफ की फसल है वो उन्होंने सुरक्षित कर ली है। जहाँ थोड़ी ज़मीन ठीक है या पानी का आवक ठीक है या बारिश बाद में हो जाती है तो फिर वो उसी का उपयोग करके अपनी रबी की फसल भी ले पाते हैं। तो ये काम हुआ। अब ये था कि ऐसी जगहों पे खेत तालाब बना लिए, छोटे किसान हैं, 1.5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के किसान हैं, थोड़े से पानी की व्यवस्था हुई है, तो क्या फिर वो डीजल इंजन की व्यवस्था कर पाएगा वहाँ पे, क्योंकि लाइट तो है नहीं। तो फिर एक छोटा सा विकल्प लिया कि भाई सोलर पैनल क्या छोटा सा यहाँ हो सकता है। तो जब सर्च किया गया और देखा गया तो विकल्प मिला इसके लिए, बहुत बेहतर विकल्प मिला, छोटा सा एक 100 वाट की प्लेट और छोटी सी मोटर होती है, उसको ले जाके कनेक्ट कर देते हैं और दिन में वो आराम से पानी अपना निकाल के दे रही है और किसान अपना वहीं पे काम कर रहा है, शाम को वापस घर लेके आ जाता है। तो जब छोटी सी ज़रूरत है तो छोटा सा उपकरण उसके पास हो गया। तो इस तरह के विकल्पों की बहुत ज़रूरत है, चाहे पानी के संदर्भ में हो या खेती के संदर्भ में भी हो। तो जो इनपुट को हमारा इनपुट कॉस्ट को हमारा कम कर रहे हों प्लस जो सस्टेनेबल करने वाले हों पर्यावरण की दृष्टि से और पैसे की दृष्टि से भी, तो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है।